हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह की 10 बजे से, और आज मेरी भंगड़ा क्लास थी तो मैं गई थी आज 7 बजे निकल गई थी, 7:30 की भंगड़ा क्लास थी, और वहाँ से अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब आप मान के चलो आधा घंटे पहले। तो आज मैं अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने जा रही हूँ। तो देखो मैंने क्या बनाया है अभी। अब सोचो कि फिर से इडली बना रही हूँ, बट मैंने इडली नहीं बनाई है। इसके लिए मैंने बैटर रेडी किया, मैं आपको बता देती हूँ। सूजी है इसमें, दही है एंड पोहा, तीनों को मिक्स करके मैंने ये बैटर रेडी किया। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें तड़का। और मैं एक बना रही हूँ मूँग दाल का डोसा, तो बहुत ही यम्मी बनने वाला है और ये बहुत ही हेल्दी है। इसको आप खा रहे हो टेस्ट तो हो गई, साथ में हेल्दी भी है, और साथ में ये क्या है कि टमी फुल हो जाएगी और आपको भूख नहीं लगेगी पूरा पूरा दिन। तो मैं ये सब चीज़ें ही खाती हूँ। घर की रोटी मैंने बंद की हुई है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे ना कैसे रह लेती है, बस मैं रह लेती हूँ। तो अभी मुझे लेना है शॉवर, क्योंकि जिम से आई हूँ तो बहुत स्वेटिंग हुई पड़ी थी। तो अभी नहाऊँगी, फ्रेश होंगी, और ये देखो इसको देखा कोई काम नहीं, भी नहा के आया है को पानी के साथ ही खेला। अभी नहा के आया, मुझे बोला मम्मा मैंने नहाना है। मैंने इसको बोला कि नहीं बेटा अभी आपने नहा लिया है, आपकी दादी ने आपको नहलाया, तो बोल रहा है कि नहीं मुझे और नहाना है। क्या करना है बेटा? नहाना। बहुत गंदा बेटा है, तुझे गंदे बेटे हो। फिर अब अच्छे हो? अब गंदे बेटे हो? मैं अच्छा, ठीक है ठीक है, आप बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो। ओके गंदा बच्चा कहता मैं गंदा बच्चा नहीं, यो भी गंदा बच्चा। तो चलो अभी मैं डोसा का जो बैटर है रेडी करूँगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और आज मैं आपके साथ पूरी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मूंग दाल डोसा बनाने के लिए इसमें मैंने मूंग दाल डाली है, लहसुन डाला, प्याज डाला, मिर्च डाला, और थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं, और इसको हम अब ग्राइंड कर लेंगे। जो बैटर है वो रेडी है, इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं बना रही हूँ चटनी, सांभर तो इतनी जल्दी रेडी नहीं होने वाला, तो मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। ये है मेरा मूंग दाल का बैटर डोसे के लिए, और ये मैं बना रही हूँ डोसा। बहुत ही क्रंची बन रहा है और इतना पतला बन रहा है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी परत देखो कितना पतला है, बहुत ही यम्मी बन रहा है, आप भी ट्राई ज़रूर करना सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ चटनी, और देखो मेरा बेबी खा के बोल रहा है कि खम हो गया खम हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ चटनी भी मैंने रेडी कर ली है, सी चटनी भी बहुत टेस्टी बनी है। वहाँ पर मेरा डोसा रेडी है, देखो कितना पतला एंड कितना क्रिस्पी बना। तो मैंने हेल्दी डोसा बनाया, ये है मूंग दाल का डोसा, और ये मैंने कुछ अपनी क्रिएटिविटी करके बनाई है, बहुत ही यम्मी थी, कल भी मैंने खाई थी। यहाँ पर मेरा डोसा रेडी हो रहा, आप इजीली बना सकते हो अपने घर पर अगर ट्राई कर रहे हो। सी उस साइड पे ना कच्चा, तो हम इसको रोटेट कर देंगे। आप नीचे रोशनी आवाज़ मारिए बच्चों को, क्योंकि नीचे खेलने गए हुए हैं। आ नहीं रहे? एक दो बार आवाज़ मारी, यू भी आया सी, फिर अंदर चले गया हूँ। उसने प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी फेर दी है। बच्चे आ चुके हैं नीचे से और ब्रेकफास्ट भी रेडी है, तो ये खा लेते हैं क्योंकि इनको फिर नीचे जाना है,
और बच्चों की आदत है बिना टैब के बिना फ़ोन के ये कुछ भी खाते पीते नहीं है। इनका ध्यान मतलब डाइवर्ट करना पड़ता है तभी ये खाते हैं, अदरवाइज ये शायद खाए भी ना बिना फ़ोन के। अब ये देखो कितना छोटा सा, बट इसको फ़ोन चाहिए चाहिए। इसने अगर ज़िद कर ली ना मुझे फ़ोन चाहिए तो आप इसको रोक नहीं सकते हो। अब हो रही है हमारी सफाई, उसके बाद रोशनी को मुझे कहीं लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है वो ब्लॉग के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो है 4 बजे की, 4 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। आजकल आपको पता ही है फ़ोन पे अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाती है। एक संडे होता है अच्छे से क्लीन करने के लिए, बाकी दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं हम। और बच्चे गए हुए नीचे खेलने, तब से अभी तक आए नहीं है। ब्रेकफास्ट मैंने बुलाकर करवा दिया था। हम खाने वाले हैं भुट्टा जो रेत में मतलब बनती हैं, और देखो कितनी सारी आई है। गर्मा गर्म भुट्टा ये देखो कैसे टूटेंगे। हाँ पहले हाफ ऑफ दे ना तो इन्होंने सुट देनी है। तो हम खा ले भुट्टा गर्मा गर्म, बहुत यमी है। अच्छा फ्रेंड्स को बता दो आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है। कौन सा आपको समझ आया? मारने की बात, वो अलविश भाई का गाना है ना, मारने की बात करे तेरे यार ने। बस देख रहे ये आजकल के बच्चे हैं, इनकी लिरिक्स देखो मैं तो समझ ही नहीं आते बोल क्या रहे हैं। आपको आती है लिरिक्स? मुझे भी नहीं आते। बस 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 पानी पी लो आप। हे गाइस तो ये देखो ये क्या है, गेस करो। चलो मैं बता देती हूँ। यह है यूवी का तीत, और इसका फर्स्ट तीत निकला, दिखाना। दूध वाला, दूध वाला। अच्छे से ऐसे तीत दिखाओ। इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ। एक सेकंड, एक सेकंड, ये करो जोर से। आओ अब हम इसको मिट्टी में मतलब गाड़ देंगे। मन्ने आला आलो, चलो बोलो, अंदर 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 दबा के कर दो। चिड़ी चिड़ी पुराने दान ले जा, नया दान दे जा। करता पाता अच्छे तरीके ना ढक दो ना। चलो आ जाओ, धूप बहुत ज्यादा है, सोच रही हूँ बाद में नहाऊंगी। चलो हाँ चिड़ी ले जाएगी हम। चिड़ी आएगी हाँ, ओ तेरा दाना दांत होली होली। बस जीभ नहीं लगानी ठीक है, अगर जीभ लगाऊंगी दांत भी नहीं आएगा। हाँ खा तो सकती हूँ। 4 बज रहे हैं और काम करके इतना थकावट हो गई बता नहीं सकती मैं, और सोच रहे हैं एक आध घंटा हम सो जाते रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, बस मेरे फ़ोन का कैमरा जो है ऑन है, तो इतनी थोड़ी बहुत ही जो लाइटिंग आपको दिख रही है वही है। अब मैं सुलाने जा रही हूँ बच्चों को, और
जो मेरा छोटा वाला बेबी है ना उसकी एक बड़ी गंदी आदत है, जब मैं उसको सुलाने लगूंगी ना देखना है वो क्या बोलेगा। मतलब इसको ना बहाना चाहिए कि बस मैं उठूं और जाऊं, ये मतलब जल्दी से सोता नहीं है। देखना मैं आपको अब भी दिखाती हूँ डेमो। मान चलो आओ सो जाओ वरना भुत्तू आ जाएगा। चलो बंद करो आइस, आइस बंद, चलो सो जाओ। बुलावा भुत्तू ना, फिर सो जाओ ना। पिंक वाला भुत्तू आएगा ना। मैंने आपको बताया ना इसकी बहुत गंदी आदत है, ये लास्ट मोमेंट पे यही कहेगा दुद्दू कि मुझे सोना नहीं है, भी तुम जाओ दुद्दू लेने और लाइट चलेगी तो फिर मैं भाग जाऊंगा। इसका ये सिस्टम होता है। इसने जबकि सब कुछ खाया, अभी इसने भुट्टा भी खाया ठीक है, तब भी इसको दुद्दू चाहिए, नहीं दुद्दू मिलेगा। चलो सो जाओ, नहीं नहीं दुद्दू, आपने अभी भुट्टा खाया ना, नहीं हो सो जाओ, दूध भी ना हाँ। फिर सोओगे हाँ। ठीक है यूबी, जब पुए कह दे दूध दे देगी, दरवाजा बंद करके जाओ ठीक है। चलो ठीक है, इसको सुलाती हूँ उसके बाद उठूँगी, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब सो मैंने बताया था आपको कि मैं रोशनी को कहीं लेकर जाऊँगी या हम कहीं जाएंगे, तो एक्चुअली रोशनी के पैर में ना मोच आ गई है, तो मतलब हमने 15 दिन ऐसे निकाल दिए दवाइयाँ खा खा कर, जिसको पहले बोली थी मैंने, बोला था कि मालिश करवा ले तो सही हो जाएगा, बट इसको था दर्द होगी तो उसने नहीं करवाया, बात वहीं पर है। अब इसको मालिश करवानी ही पड़ेगी, तो फिर हम गए थे वहाँ पर मालशी के पास, बट मालशी वाला आज नहीं था, संडे को ऑफ था। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गए थे मालशी के पास पर मालिश वाला नहीं था, तो फिर हमने सोचा चलो अपना दूसरा काम भी हम कर ही लेते हैं। तो हम आए बाज़ार में क्योंकि मन भी अब स्कूल जाने लायक हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना उसकी एडमिशन करवाई जाए। तो एडमिशन करवाई, फिर उसको नए नए कपड़े चाहिए, ये वो बूट चाहिए, टिफ़िन चाहिए, तो आज हम उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। उसके लिए शॉपिंग हो रही है, यू भी कह रहा है मेरे लिए भी, तो दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। और समझ नहीं आ रहा क्या ले क्या ना ले। करने कुछ और आए थे, कर कुछ और रहे हैं। सोचा था किसी और दिन शॉपिंग करेंगे क्योंकि संडे को रश बहुत होता है, बट जब मालशे वाला मिला ही नहीं तो फिर हमें ये वाला काम करना पड़ा। आज रश बहुत ज़्यादा है बहुत। तो मैं जा रही हूँ रोशनी के साथ फैशन किंग। बाज़ार में तो हमें कुछ खास दिखे नहीं, कपड़े तो हमने नहीं बाय किए, अब फैशन किंग देखते हैं वहाँ पर कलेक्शन कैसी है। लुधियाना का घंटा घर। तो फाइनली पहुंच गए हम फैशन किंग, अब देखते हैं कि हमें जो चाहिए वो हम बाय कर पाते हैं या नहीं। तो हम किड्स वेयर सेक्शन में आ गए हैं। कितना नंबर है, है? छोटा हाँ। कुछ ऐसा ही मिल जाए ना। चलो 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 चलो
की नंबर है 0 to 2 दो साल तक के बच्चे तो ये दो जोड़े हमने लिए मन के लिए और करवा रहे हैं हम बिलिंग। तो कपड़े हमने बाय कर लिए, अब सोच रहे हैं कि सैंडल ले लेते हैं। रोशनी सैंडल या शूज? सैंडल या शूज? तो शॉपिंग हो गई है, अब हम अपनी साइड आ गए हैं, घर के पास ही है। तो मैं पी रही हूँ पपीता शेक, क्योंकि ना रात के टाइम हमेशा मेरे को ऐसा हो जाता है, बहुत क्रेविंग होने लग जाती है कि कुछ खाने को मिल जाए। तो अगर शेक पिया होगा तो टमी फुल होगा, फिर क्रेविंग के तो कोई चांसेस ही नहीं है। क्रेविंग तभी होती है ना जब भूख लगी हो, फिर होता है कि बस कुछ भी उठपटांग मिल जाए बस हम खा लें। तो मैं यहाँ शेक पी रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाऊँगी, क्योंकि आज है संडे। तो संडे को थोड़ा बहुत उनको मैं खाने के लिए दे देती हूँ। और ये मैडम चला रही है फ़ोन, मैंने अपने लिए पपीता शेक करवाया, इसके लिए मैंगो आ रहा है। उसके बाद हम जाएंगे गोल मार्केट, वहाँ से कुछ फास्ट फूड लेंगे, फिर हम जाएंगे सीधा घर। हे गाइस, तो घर आ चुके थे, कपड़े वगैरह दिखा दिए सब कुछ, और फ्रेश हो गए हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए। तो अभी मैं पीने जा रही हूँ अपनी मेडिसन। सोच रही हूँ ना किस टाइप की ये मेडिसिन है, एक्चुअली थोड़ा कोई इश्यू था तो उसके रिलेटेड ही मेरी मेडिसिन चल रही है, जो कि 40 days चलेगी। मान नहीं 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 नो हाँ, इन्हें अपने सैंडल सारे भिगो ले और जो एसी से पानी छुपा के, इसके लिए सैंडल लेकर आए। इसने क्या किया, पानी के साथ बहुत खेलता, डिप कर दिए सैंडल पानी के अंदर। गंदा तुझे, गंदे हो तुझे, गंदे हो। इसका मुंह देखना, कैसे करके मुंह बना रहा है, गंदा। मैं मान को नहीं बुलाऊंगी, कट्टी कट्टी। मैं यूवी की मम्मा हूँ। नहीं, यूवी की मम्मा हूँ मैं। हैं? हाँ, तुसी सैंडल गिले किते ना, मैं यूवी दी मम्मा। हाँ जी, यूवी आजा बेटा मम्मा पास, फटाफट आ, नहीं तो मान आ जाएगा। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा 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 आजा। यूवी जल्दी आ, मान आ जाएगा नहीं तो। मैं तो यूवी नु बुलाया सी ना। इसने देखो छोटी सी जूड़ी की, इसके छोटे छोटे हेयर है ना, अभी निकल जाते हैं जूड़ी से। फ्लाइंग किस कर दो फिर, उसकी शक्ल किस पे गई है बताना। मम्मा को किच्छी चाहिए, मम्मा को किच्छी चाहिए। फिर ठीक है, मैं यूवी मम्मा जाओ कर। आए ठीक है, तो अब बोलो गुड नाइट, बोलो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।